कोई दोस्त रिश्तेदार पास न था, रेस्क्यू अहलकार ताबूत को हाथ लगाने को तैयार न थे। मुतवफ़ी के वालिद ने खुद रस्सी से बांध कर ताबूत को लहद में उतारा। नमाज जनाजा के शुरू का तकलीफ से बेबस होकर रो पड़े। हंगू में वबा से वफात पाने वाले शख्स की तदफीन के दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आए हैं। एक पुलिस अफसर ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में वबा से मुतासरा शख्स की तदफीन के हालात की मंजर कशी की है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह जब मैयत को लहद में उतारा जा रहा था तो उस वक्त सिवाय उसके वालिद के इसका कोई रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्लेदार कबर के करीब भी नहीं था। फिजा एक अनदेखे और अनजाने दुश्मन के खौफ से भरी हुई थी। एक ऐसा दुश्मन जो किसी सरहद, किसी उम्र, सनफ और मजहब की परवाह नहीं करता। पुलिस अफीसर ने कहा कि मुतवफ़ी के ताबूत को पेशावर से एम्बुलेंस में हंगू लाया गया और इसे सोगवारों से दूर फासले पर खड़ा किया गया, जिन्हें एक खास मकाम से आगे जाने की इजाजत न थी। इसके वालिद ने भी मुकम्मल हिफाजती लिबास पहन रखा था, लेकिन इसे भी एम्बुलेंस से उतरने की इजाजत नहीं थी। नमाज जनाजा में इमाम के अलावा सिर्फ 5 अफराद शामिल थे, जो नमाज के वक्त गम और तकलीफ से बेबस होकर रो पड़े। ये तदफीन का अमल इंतहाई दिल खराज था। अख्तर फरहान ने मजीद कहा कि रेस्क्यू अहलकार ताबूत को हाथ लगाने को तैयार न थे। फिर ये फैसला किया गया कि एम्बुलेंस से रस्सियों की मदद से ताबूत को खींचा जाए, लेकिन फिर भी ताबूत के साथ रस्सी बांधने को कोई तैयार नहीं था। इस मौके पर मुतवफ़ी के वालिद ने खुद रस्सी बांधने की पेशकश की। ये मंजर इंतहाई तकलीफ दे था, जो एक कमज़ोर और सिसकता हुआ बाप अपने बेटे का ताबूत रस्सी से बांध कर अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ महज तमाशाई बनकर खड़ा रह गया। इसलिए कहते हैं, खुदा के लिए इस वबा को सीरियस लें, इसका मजाक मत बनाएं। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वाकया आपके साथ हो।